सनसनी ऑफ इंडिया। शादीशुदा होने के बावजूद एक अन्य नाबालिग लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे एक दिव्यांग युवक ने शराब के नशे में अपने 5 दोस्तों के साथ मिलकर रिलेशनशिप में रह रही अपनी ही प्रेमिका के साथ दिल्ली से बुलंदशहर में एक जाने माने स्वामी से मिलने के बहाने ले जाकर गैंगरेप किया। प्रेमिका के विरोध करने पर ईंट से कुचल कर हत्या करके शव को खेतों में फेंक कर मुख्य आरोपी फरार हो गया था। 4 आरोपियों को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुख्य आरोपी पुलिस को चकमा देकर 3 साल से ऐसे बेफिक्र होकर नौकरी कर रहा था जैसे उसने कुछ नहीं किया है, किंतु आरोपी द्वारा बार बार कोर्ट की साइट पर जाकर अपने केस की कोर्ट डेट व केस स्टेटस सर्च करने से क्राइम ब्रांच NDRR के पुरम की टीम की नजर में आ गया। आरोपी की पहचान देवली दिल्ली निवासी 42 वर्षीय संजू लंगड़ा के रूप में हुई है। बात 16 अगस्त 2022 की है। गुरुग्राम में एक कॉल सेंटर है। एक बिल्डिंग में 6th मंजिल पर रात के करीब 12 बज रहे थे। तमाम स्टाफ नाइट शिफ्ट में वहां मौजूद था। क्राइम ब्रांच आर के पुरम से इंस्पेक्टर राकेश कुमार के नेतृत्व में SI सम्राट खटियान, अशोक कुमार, हेड कांस्टेबल मनोज, सुधीर, सूर्यदेव, घनश्याम व सतपाल की एक टीम ने कॉल सेंटर को चारों ओर से घेर रखा था। इंस्पेक्टर राकेश कुमार के आदेश पर हेड कांस्टेबल सूर्यदेव व सुधीर आम आदमी बनकर उस कॉल सेंटर के अंदर जाते हैं। इसी दौरान दफ्तर का एक चपरासी 6th फ्लोर पर बैठे हुए एम्प्लाई के पास जाता है, कहता है कि आपसे मिलने 2 विजिटर आए हैं। 12 बजे रात को 2 विजिटर। एम्प्लाई भी थोड़ा से कपकाता है, लेकिन इससे पहले भी उसके दोस्त और बाकी लोग भी मिलने आते रहते थे, तो उसे लगा कोई दोस्त होगा। वो उनको अपने रूम में बुलाता है। थोड़ी देर में आर के पुरम क्राइम ब्रांच से हेड कांस्टेबल सूर्यदेव व सुधीर सादी वर्दी में उसके केबिन में आते हैं। वो उन दोनों को बैठने के लिए बोलता है। उससे दोनों मेहमानों की नजरें मिलती हैं। वो उन्हें पहचान नहीं पाता, आंखों में सवालिया निशान कि आप लोग कौन हैं। तभी हेड कांस्टेबल सूर्यदेव इस कॉल सेंटर के एम्प्लाई की तरफ हाथ बढ़ाते हुए सिर्फ 2 शब्द कहता है, हेलो मिस्टर संजय। हाथ आगे बढ़ा हुआ है, जुबान से नाम संजय। सुनते ही यह नाम सामने वाले शख्स के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं, क्योंकि उसने यह नाम पूरे 3 साल बाद सुना था। 3 साल तक उसने यह नाम किसी की जुबान से नहीं सुना। 3 साल तक उसे किसी ने संजय कहकर पुकारा ही नहीं। इन 3 सालों में उसकी पहचान उसका नाम एक ही था, वो था मनोज कुमार। तो उसके सारे दफ्तर के लोग, दोस्त, पड़ोसी हर एक यही जानते थे कि इस शख्स का नाम मनोज कुमार है। लेकिन 16 अगस्त 2022 की उस रात करीब 12 बजे और आके ऑफिस के अंदर 2 मेहमान आकर हाथ बढ़ाते हैं और कहते हैं, हेलो मिस्टर संजय। 3 साल बाद यह नाम सुनकर लगभग उसे चक्कर आने लगता है। इस दौरान हेड कांस्टेबल सूर्यदेव उस शख्स को खड़े होने को बोलता है। तब तक खौफ दहशत कहें या फिर अनजाने में, फिर ये कि वो अपने आप में सुदबुद्ध में नहीं है, चुपचाप धीरे धीरे अपनी कुर्सी से खड़ा होता है। सामने खड़े दोनों पुलिस वाले उसकी टांगों की तरफ देखते हैं। उसकी एक टांग खराब थी। सामने खड़े हेड कांस्टेबल सूर्यदेव व सुधीर को यकीन हो जाता है कि यही संजय है। इसके बाद कांस्टेबल सूर्यदेव कहते हैं कि चलिए संजय साहब, खेल खत्म, वापस दिल्ली चलते हैं। उसके बाद कांस्टेबल सूर्यदेव व सुधीर उस शख्स को लेकर बिल्डिंग से नीचे उतरते हैं। शख्स भाग न जाए इसलिए नीचे इंस्पेक्टर राकेश कुमार टीम के साथ खड़े थे। इंस्पेक्टर राकेश कुमार दिल्ली में बैठे अपने सीनियर अफसर उमेश बर्तवाल ACP को एक व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, साथ में एक फोटो, और मैसेज में सिर्फ इतना लिखते हैं, गोट इट, यानी काम हो गया। अब सवाल ये था कि एक कॉल सेंटर के दफ्तर में काम करने वाले शख्स को रात 12 बजे क्राइम ब्रांच ने उठाया, साथ ले गए, नाम पुकारा, इन सब में कहानियां क्या थी? तो सभी लोग पुलिस वाले थे, आर के पुरम क्राइम ब्रांच से गुरुग्राम आए थे और इसी शख्स की तलाश में आए थे। अब इसे क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली लेकर पहुंची। यह खबर का पहला पार्ट। अब 2022 से 4 साल पहले चलते हैं पीछे, 2019 में 42 वर्षीय संजू दिल्ली के देवली गांव का स्थायी निवासी है और स्नातक के बाद उसने निजी कंपनी में काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद उसने नौकरी छोड़ दी और अपना डायरी व्यवसाय शुरू कर दिया। 2004 में इसने शादी कर ली। 2018 में वो एक नाबालिग लड़की के संपर्क में आया और कुछ मुलाकातों के बाद वे करीबी दोस्त बन गए और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। उसके दोस्त भी उससे मिलते थे। जनवरी 2019 के महीने में वो अपने और अपने दोस्तों के साथ एक जाने माने स्वामी से मिलने यूपी के बुलंदशहर गया, जहां सभी ने नशे में धुत होकर एक के बाद एक लड़की के साथ बलात्कार किया। लड़की ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की धमकी दी तो सभी ने ईंट मार मार कर उसकी हत्या कर दी और शव को खेतों में फेंक दिया। इस रेप और हत्या के मामले में यूपी पुलिस ने 4 आरोपितों को तो गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी संजय लंगड़ा तब से फरार था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, संजय का कोई सुराग नहीं मिला।
यूपी पुलिस लगातार लगी रही उसके घर वालों के सर्विलांस पे। पूरे घर वालों की जगह जगह शादी वादी में पुलिस वाले सादी वर्दी में तैनात किए गए कि वो शायद घर पर मिलने आए, लेकिन वो मिला नहीं। इस दौरान आरोपी की पत्नी ने भी उसकी करतूतों की वजह से नाता तोड़ लिया। यूपी पुलिस खोजती रही। एक साल बीत गया लेकिन आरोपी का कुछ पता न चला। पुलिस सुस्त पड़ गई। एक तरह से केस तो क्लोज ही हो गया, लेकिन केस को पूरी तरह से बंद भी नहीं किया। कहते हैं कि हर महीने एक आध बार इस केस पर नजर डाल देते थे। जब भी कोई नया पुलिस अफसर आता तो पूछता अपडेट क्या है। मंथली मीटिंग में इस केस को ऊपर रखा जाता था। धीरे धीरे 3 साल बीत गए लेकिन यूपी पुलिस को आरोपी का रति भर भी सुराग नहीं मिला। इसी दौरान बुलंदशहर की एक कोर्ट ने आरोपी को भगोड़ा घोषित करने के साथ 25,000 का इनाम रख दिया। वारदात यूपी की थी लेकिन आरोपी दिल्ली का, वो भी देवली गांव का रहने वाला था। उमेश बर्थवाल ACPR के पुरम क्राइम ब्रांच ने आरोपी को खोजने की जिम्मेवारी तेजतर्रार इंस्पेक्टर राकेश शर्मा को दी। इंस्पेक्टर राकेश शर्मा ने आरोपी के घर के आसपास सादी वर्दी में टीम लगाई, लोगों से भी पूछताछ की तो पता चला कि साल भर पहले वो अपनी बेटी के जन्मदिन पर आया था लेकिन पत्नी ने झगड़ा करके भगा दिया। अब इस क्लू के बाद इंस्पेक्टर राकेश शर्मा को एक बात का तो यकीन हो गया था कि संजय जिंदा है। उसने सुसाइड नहीं किया है, कहीं और नहीं भागा है, वो देश में है। इस दौरान टीम ने उसके पूरी फैमिली के लगभग 5,000 नंबरों को खंगाला, जो उसके दूर के रिश्तेदार दोस्त, ताकि कब कहां से किसी के पास फोन आ जाए और क्लू मिल जाए। सब बेकार। पत्नी के नंबर को भी पुलिस ने रडार पर रखा हुआ था। संजय शायद किसी नंबर पर बात नहीं कर रहा था। पुलिस अंधेरे में थी लेकिन इंस्पेक्टर राकेश शर्मा ने हिम्मत नहीं हारी और एक बार फिर आरोपी की पत्नी से पूछताछ की। पत्नी से आरोपी के बारे में कोई सुराग तो नहीं मिला, किंतु आरोपी द्वारा घर में भूल से छोड़ी गई केस के FIR की कॉपी जरूर मिली। इंस्पेक्टर राकेश शर्मा का माथा ठनका कि आरोपी वारदात के तुरंत बाद से ही फरार हो गया था, तो उसके पास FIR की कॉपी कहां से आई। FIR की कॉपी ध्यान से देखने पर पता चला कि यह यूपी पुलिस की साइट से डाउनलोड की गई है। इंस्पेक्टर राकेश शर्मा यह अच्छी तरह जानते थे कि यूपी पुलिस की साइट से FIR की कॉपी डाउनलोड करने के लिए अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। सारी निगरानी व छानबीन करने के बाद टीम को लगा क्यों न यह पता लगाया जाए कि आरोपी के लिए FIR की कॉपी डाउनलोड करने के लिए अकाउंट किसने क्रिएट किया था। इंस्पेक्टर राकेश शर्मा को यूपी पुलिस के सहयोग से पता चला कि किसी मनोज ने यूपी पुलिस की साइट upipolice.gov.in पर जाकर व्यू FIR देखने व डाउनलोड करने के लिए अकाउंट क्रिएट किया था। अकाउंट क्रिएट करते समय IP एड्रेस गुरुग्राम Phase 3 में किसी कॉल सेंटर का था। अब RK पुरम क्राइम ब्रांच की टीम हैरान कि आरोपी के लिए FIR डाउनलोड करने का कॉल सेंटर से क्या नाता हो सकता है। तो सारी निगरानी करने के बाद, सारी छानबीन करने के बाद पुलिस ने कहा कि मनोज को टटोला जाए। फिर यह भी हुआ कि कहीं इसी जगह पर संजय काम तो नहीं करता। अब इसके बाद क्राइम ब्रांच RK पुरम की टीम दिल्ली से गुरुग्राम Phase 3 के सस्पेक्ट कॉल सेंटर के लिए रवाना हो गई 16 अगस्त 2022 को। वहां जाने के बाद गुरुग्राम पुलिस से संपर्क करती है और फिर कहती है कि हमें इस सस्पेक्ट कॉल सेंटर के एम्प्लॉय के बारे में डिटेल चाहिए। गुरुग्राम पुलिस सस्पेक्ट कॉल सेंटर के HR डिपार्टमेंट से संपर्क करती है और कहती है कि हमें आपके यहां जितने भी लोग काम करते हैं उनकी लिस्ट चाहिए। यह जाहिर नहीं करते हैं कि किसकी खास तौर पर चाहिए, क्योंकि अलग चौकन्ना न हो जाए सामने वाला। मतलब उनका यह था कि सभी एम्प्लॉय की लिस्ट चाहिए। यह हमारा रूटीन प्रोसीजर है ला ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। सस्पेक्ट कॉल सेंटर के HR डिपार्टमेंट की तरफ से लिस्ट आ जाती है कर्मचारियों की। उस पूरी लिस्ट में कहीं कोई संजय नाम का एम्प्लॉय नहीं था। व्हाट, उस लिस्ट में एक नाम देखकर इंस्पेक्टर राकेश शर्मा के कान खड़े हो गए और वो नाम था मनोज, क्योंकि मनोज नाम से ही यूपी पुलिस की साइट पर अकाउंट क्रिएट किया गया था। मनोज के बारे में पुलिस ने और जानकारी जुटाई तो पता चला कि आरोपी संजय की तरह मनोज भी एक टांग से अपाहिज है। इंस्पेक्टर राकेश शर्मा को लगभग पूरा शक होने लगा था कि संजय ही मनोज बनकर यहां काम कर रहा है। टीम सस्पेक्ट कॉल सेंटर पहुंचती है। इंस्पेक्टर राकेश शर्मा के नेतृत्व में टीम चारों तरफ फैल जाती है और हेड कांस्टेबल सूर्यदेव व सुधीर सस्पेक्ट मनोज से मिलने अंदर जाते हैं। सस्पेक्ट मनोज से मिलने पर इंस्पेक्टर राकेश शर्मा का शक सही निकलता है। आरोपी संजय ही मनोज बनकर पिछले काफी समय से बेफिका होकर कॉल सेंटर में नौकरी कर रहा था। आरोपी ने बताया कि वारदात के तुरंत बाद वो गुरुग्राम भाग आया था और मनोज नाम से नकली ID बनाकर कॉल सेंटर में नौकरी करने लगा। पुलिस से बचने के लिए उसने मोबाइल रखना बंद कर दिया था, साथ ही सोशल मीडिया से भी दूरी बना ली थी। पत्नी से एक बार मिलने की कोशिश की लेकिन पत्नी ने उससे सभी नाते तोड़ लिए।
केस का स्टेटस जानने के लिए उसने यूपी पुलिस की साइट पर मनोज नाम से अकाउंट क्रिएट करके अपने केस की एफआईआर की कॉपी डाउनलोड की थी। अगर आरोपी संजय ने यूपी पुलिस की साइट से एफआईआर की कॉपी डाउनलोड नहीं की होती तो शायद आरोपी संजय को गिरफ्तार करने में और समय लग सकता था। तो क्राइम ब्रांच आर के पुरम की टीम की समझदारी से हत्या व गैंगरेप का इनामी आरोपी दबोचा गया। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है, रहे हर पल चौकस। और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू। मात्र 2 रुपए।